मतलब छत के ऊपर पूरा का पूरा गार्डन बना रखा है। रहने के पर्पज से नहीं था, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। जो आइलैंड है छोटे छोटे, ये मैन मेड झील के अंदर बनाए गए, फिर से ये बंद पड़ा हुआ है, तो टिकट भी नहीं लग रही है। जल महल के ऊपर बर्थडे का केक कट रहा है, ये देखो ये निकल रही है राजा जी की सेना। होटल का ब्रेकफास्ट, उसमें ये इडली सांभर खीर और ये खिचड़ी टाइप बना, और ये हो गए पराठे, ये अंडे और ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ये बनाना वगैरह, बनाना फ्रूट में बनाना हो गया, पाइन एप्पल और पपाया वगैरह, ये ब्रेड, टी कॉफी। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद मैं होटल का टूर करता हूँ, क्योंकि होटल अभी तक मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को। ये आ गया ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में जूस, पराठा और ये पोहा टाइप है, पोहा नहीं वो है, ये ओट्स, ओट्स टाइप। तो खाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी जा रहा हूँ जल महल के लिए। तो उससे पहले मैं आपको होटल का पूरा व्यू करा देता हूँ, क्योंकि होटल का व्यू नहीं कराया अभी तक। मतलब बड़ा ही डिसेंट सा होटल है, ठीक, आप खुद देखिए, बाहर से करा दे। ओ भाई बात तो ठंड हो रही है। ये है होटल के बाहर का व्यू, ये है अमायरा होटल, ये आगे अमायरा होटल जयपुर, ये आगे इसका मेन पोर्ट, बड़ी सारी एंट्री, ये होगी इसकी एंट्रेंस लॉबी। यहाँ पे इन्होंने ये काउच लगा रखे हैं, सोफे, दो सोफे का सेट, ये होगी यहाँ पे रिसेप्शन और ये एलसीडी वगैरह। तो अभी क्रिसमस था तो क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्री लगा रखा है। बाकी रूम दिखाई चुका हूँ मैं आपको, तो अभी चलते हैं जल महल के लिए, क्योंकि लेट ना हो जाए। तो अभी ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके अभी निकलते हैं जल महल के लिए। तो आज की वीडियो बड़ी मतलब बिजी रहने वाली है, पहले जल महल और फिर सारे फोर्ट्स वगैरह कवर करूँगा मैं वन बाय वन। इसी के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, अभी निकल चुका हूँ होटल से और जल्दी जल्दी कवर करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आज है लास्ट डे, कल पूरे का पूरा दिन निकल गया होटल वगैरह फाइंड आउट करने में और इन सारी चीज़ों में। आज होप शो सारी चीज़ें कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले चलते हैं जल महल, क्योंकि हवा महल मैंने कल कर चुका हूँ, आपने एक व्लॉग में देख भी लिया होगा। तो आज करते हैं जल महल, फिर उसके बाद फोर्ट वगैरह कवर करते हैं। ट्रैफिक ऐसे ही लगता है जैसे दिल्ली में है, वैसे ये जो इंडिया की प्लांट सिटी हैं उनके अंदर आता है जयपुर, फिर भी ट्रैफिक वगैरह पूरा लग जाता है। खुले खुले रोड हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक का क्या करें, ट्रैफिक तो दुबई वगैरह में भी लगता है। तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं, और सबसे मेन क्या है, अगर जयपुर में घूम रहे हो तो लोकल जो है ये क्या करते हैं, टूरिस्ट देख के मतलब ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लोकल आइडिया है, मतलब आप मैप वगैरह देख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप इनको सीधा डेस्टिनेशन बताओ, तो फिर ये आपको 10-5 रुपए ऐसे चार्ज करेंगे, तो इससे काफ़ी आपके पैसे बच जाएंगे और काफ़ी बचत होती है। और वैसे जहाँ पे 10 रुपये लगने हैं वहाँ 100 रुपये ले लेते हैं टूरिस्ट। ये दिखाता हूँ मैं, ये जो भाई है ना ये गोद में ले रखा है, ये बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है, तो मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इतना पैर के साथ रख रहे हैं। और उनको दवाई दिलाने लेके गए थे, जैसे बच्चे को दवाई दिलाने के लिए लेके जा रहे थे। अभी पहुंच गए जल महल, तो जल महल पे क्या है, जल महल के अंदर जाने का अभी नहीं है, क्योंकि अंदर जाना बंद कर रखा है। अब आप बाहर से ही मतलब ये पूरी रोड है, मतलब साइड में मेन रोड के साइड में ही, मतलब फुटपाथ टाइप,
तो उसी पे सारी मार्केट लगती है, उसी पे सारी चीज़ें एक्टिविटी वगैरह होती हैं। तो जो मॉल के अंदर आप नहीं जा सकते, तो सारी चीज़ें यहीं पे हैं मेन रोड पे। तो जल महल मैं दिखा देता हूँ आपको, वो सामने है, वो जो दिख रहा है वो जल महल है। तो ये मार्केट लगती है जल महल के बाहर की मार्केट है ये सारी। ये फाउंटेन वगैरह ये भी बंद कर रखे हैं सारे, वह जल महल यही है। अब बत्तखें वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो अब टूरिस्ट के लिए अंदर जाना मना है तो बाहर बाहर से ही। ये पूरी मार्केट। अभी कर लेते थोड़ी जलमहल की हिस्ट्री की बात। यहाँ पे क्या है, जो ये जलमहल है, जलमहल महाराजा सुहेल जयसिंह ने ये 1699 ईस्वी में बिल्ड कराया, और उसके बाद ये 1799 ईस्वी में, मतलब पूरे 100 साल बाद 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। और बेसिकली इसके बनाने का पर्पज ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई स्टे किया जाए। यहाँ पे क्या था, राजा महाराजा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कि यहाँ पे आके नहाएंगे और सारी इंजॉयमेंट के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ये बनाया गया था कि यहाँ पे आके वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। तो यहाँ पे रहने का मतलब नहीं था कि वो यहाँ पे आके रहेंगे, खाली वो यहाँ पे आके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता था और फिर उसके बाद वो अपने राजमहल में चले जाते थे। तो और ये पूरे का पूरा मानसागर झील बोलते हैं इसको, जो ये झील आप देख रहे हैं इसको मानसागर झील बोलते हैं। ये झील मानसागर झील के ऊपर बनाया गया ये जलमहल, और जो ये पूरा का पूरा बनाया, ये एक नदी को मतलब काट के और एक झील बनाई मैन मेड, उसके बाद ये जलमहल बना उसके ऊपर। और जलमहल का मैंने आपको बता दिया कि रहने के पर्पज से नहीं था, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए था, जिसमें राजा महाराजा आते थे रानियों के साथ और अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। और हाँ, दूसरा क्या है, जो ये झील थी पहले जब ये बनाई थी तो इसका पानी साफ था, राजा लोग नहाते थे, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया इसमें पोल्यूशन बढ़ता गया, जयपुर का ड्रेन आउट इसमें होता गया, तो ये पूरी की पूरी झील मतलब प्रदूषित हो गई है। तो उसके बाद प्रदूषण के बाद ये इसको महल को भी बंद कर दिया, और ना तो इसमें कोई जाता था ना एंट्री, और शहर में भी पोल्यूशन हो गया। तो जिसके बाद इसको रीबिल्ड किया गया, रेनोवेट किया गया, तो उसके टाइम पे इसको क्या है, इसके पानी को साफ कर किया गया, उसके बाद इसमें मछलियों की स्पीशीज डाली गई, अलग अलग तरह की मछलियाँ डाली गई इसके अंदर। और जो आप वहाँ पे, ये जो जहाँ पे मेरी फिंगर है यहाँ पे आइलैंड देख रहे होगे आप, ये जो आइलैंड है छोटे छोटे, ये मैन मेड इस झील के अंदर बनाए गए कि जिस पे पक्षी वगैरह आके रहें, फिशिज वगैरह डाली गई दूर दूर से पक्षी आके। तो आज की डेट में क्या है, आप वहाँ पे देख सकते हैं वो बाज वगैरह भी हैं, उस वाले पे बाज भी हैं, डक वगैरह भी हैं, और मतलब हंस वगैरह सब हैं यहाँ पे। तो मतलब पूरा रिकंस्ट्रक्ट करके अब इस लायक बनाया गया है, लेकिन दोबारा से अब क्या है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग अगर टूरिस्ट आते हैं तो वो देखो किस हिसाब से खाना डाल रखा है, रोटियाँ ये खाने, मतलब इतना पोल्यूशन हो गया है। अब दोबारा से फिर से ये बंद पड़ा हुआ है, अब पब्लिक खाली यहाँ पे खड़े होके खाली फोटो सेशन करा सकती है, और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया कि बस जल महल, ना आप जा सकते इसके अंदर ना कोई, आप अब जाएंगे तभी टिकट लगेगी, जब जा ही नहीं सकते तो टिकट भी नहीं लग रही है। तो अब आप ना जा सकते हैं, खाली रोड के ऊपर से ही फोटो क्लिक करा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो जल महल है, मतलब दूर से देखने के लिए अब एक जल महल रह गया है। अब देखो जयपुर गवर्नमेंट इसको कब दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करे, क्योंकि ये एक हेरिटेज साइट है, जयपुर खुद ही एक हेरिटेज सिटी है। तो देखते हैं कि कब तक ये बिल्ड होगा, लेकिन इसको रिबिल्ड करना चाहिए क्योंकि ये मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में आता है जल महल, जैसे हवा महल है वैसे ही इसको भी जल महल। लोग इतने सारे लोग आए हुए हैं आज, ये देखो पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे जल महल के ऊपर। ये थी जल महल की थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है। तो इसी के साथ मतलब वीडियो में बने रहें, और
अभी हम चलेंगे फोर्ट की तरफ, तो आज मैं आपको फोर्ट वगैरह भी कवर कराऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहिए और लाइक का बटन जो ये आ रहा है इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कर कीजिए, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास आए, तो इसके लिए बेल आइकन को दबा के रखिए। और जो भी लेटेस्ट अपडेट है, जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो उसकी जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो इंस्टा पे सबसे पहले होती है, क्योंकि ब्लॉग वगैरह को एडिट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो 2-3 दिन या कम से कम 1 वीक लग जाता है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर लें, क्योंकि उस पर लेटेस्ट अपडेट आती रहती है और उस पर आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं कि कोई चीज़ आपको अच्छी पता है तो वो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करूँगा। और सारी मतलब आप जो भी आपके मन में है वो कमेंट कर सकते हैं, तो आप मैसेज वगैरह कीजिए, मैं सारी कमेंट्स मैसेज वगैरह पढ़ता हूँ, तो आपको मैं रिवर्ट कर पाऊँगा और मेरे को भी एक हौसला मिलेगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए। ये देखो सबसे बढ़िया कि जल महल के ऊपर ही केक काट रहे हैं, जल महल के ऊपर निकाल रहा है, वहाँ से यहाँ तक सारा जल महल ही। अगर आप वहाँ भी काटोगे ना तो वो भी जल महल के अंदर ही आएंगे। ये देखो कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, मतलब सब फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए आए हैं, क्योंकि अब एंट्री तो बंद हो गई है, अब कोई अंदर तो जा नहीं सकता, लेकिन आप यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। ये देखो ट्रेडिशनल इनकी ड्रेस वगैरह, राजस्थानी ड्रेस राजा महाराजा वाली, थोड़ा सा वो लुक दे के आपको फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। जो टिपिकल राजस्थानी पहनावा है वो आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको कुछ लेना है तो, और कपड़े वगैरह आपको लेने हैं राजस्थानी तो वो भी ले सकते हैं। ये देखो ये पहन रहे हैं। ये क्या है, धुंध की वजह से क्लियर नहीं आ रहा, मतलब अभी धुंध पड़ी हुई है, ठंड का मौसम है। ये है जल महल, रात को लाइटिंग वगैरह होती है तो और अच्छा लगता है। ये पूरी लेक है, पूरी की पूरी लेक, और ये मैन मेड आइलैंड जो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया ये वाला, और ये जल महल, और ये देखो ये पक्षी वगैरह बैठे हुए सारी चीज़। अभी देखो आप के जैसे जैसे धुंध हट रही है, येलो कलर का अलग से दिखने लग गया जल महल, जैसे सोने की तरह हो। और जो ये जल महल के ऊपर आप पेड़ देख रहे हैं ना, मतलब ये पूरा ऊपर से गार्डन है, मतलब छत के ऊपर पूरा का पूरा गार्डन बना रखा है इन्होंने, मतलब घास वगैरह है, पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, मतलब आज के टाइम पे लोग बनाते हैं, लेकिन ये बहुत सालों पहले हमारे राजा महाराजा ऑलरेडी बनाते थे। ये देखो पूरे छत पे गार्डन है, उसमें कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो मतलब पूरा ऊपर गार्डन, नीचे कमरे हॉल वगैरह सारी चीज़ें हैं। ये पूरा गोल्डन कलर का है, अभी वीडियो में ना भी दिख रहा हो लेकिन पूरा गोल्डन कलर से पेंटेड लग रहा है, पूरा येलो कलर दिख रहा है। यहाँ से कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। अभी चलते हैं हम फोर्ट की तरफ।